जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप हरियाणा में PRT टीचर, JVT टीचर लगना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपका कोई भाई बंध, रिश्तेदार, सगा संबंधी या कोई मित्रगण है जो टीचर लगना चाहता है JVT टीचर हरियाणा में, तो आपसे आग्रह कि उसको इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अब नहीं तो कभी नहीं, अगर भर्ती करवानी है तो आपको साथ आना पड़ेगा। तो देखिएगा इस वीडियो को अंत तक। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि ये मुद्दा एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद भी हरियाणा सरकार भर्ती नहीं निकाल पा रही है। आपको पता है कि हरियाणा सरकार एस्टेट परीक्षा हर साल आयोजित करा रही है, लेकिन एस्टेट पास करते करते कुछ कैंडिडेट्स की उम्र ही बीत गई, लेकिन JVT भर्ती नहीं आई। पिछले साल भी JVT एस्टेट पास एसोसिएशन ने धरना प्रदर्शन करनाल में किया था, CM साहब को और उनके OSD को व हरियाणा के तमाम भाजपा विधायकों को ज्ञापन सौंपा था कि कोर्ट के आदेश जो आए हैं उसके अनुरूप जल्द से जल्द हरियाणा में JVT की भर्ती की जाए। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में भर्ती पास हो चुकी है, लेकिन हरियाणा सरकार भर्ती अभी तक नहीं करवा पाई है। तो उसके ध्यान में रखते हुए JVT एस्टेट पास एसोसिएशन ने नई नियमित JVT भर्ती की मांग को लेकर एक, कह सकते हैं कि एक रैली का रूप धारण किया है, वादा निभाओ रैली। इस रैली के जो आयोजककर्ता हैं वो राजेश पाल हैं, जो इस एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष हैं। JVT स्टेट पास एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष है। आपको बता दें कि राजेश पाल समय समय पर कभी चंडीगढ़ में, कभी करनाल में धरना प्रदर्शन अनशन करते रहे हैं, और बार बार जो है CM की तरफ से, विधायकों की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से आश्वासन मिलता रहा है कि जल्द ही हरियाणा में JVT भर्ती करवा दी जाएगी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि लग रहा था कि भर्ती आएगी, लेकिन सरकार ने भर्ती नहीं करवाई। करीब 2 से 3 वर्ष तक ये संग्रह चल रहा है, लेकिन भर्ती करवाने में जो है सरकार नहीं मान रही है। अब की बार फिर से आपको बता दें कि 12 जनवरी को इस रैली का आयोजन किया जाएगा जगाधरी में। कहाँ पर? शिक्षा मंत्री के आवास, शिक्षा मंत्री जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं उनके आवास पर इस रैली का आयोजन किया गया है जगाधरी में। आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, नंबर आप देख सकते हैं 8291-99588। आपको बता दें कि अब JVT भर्ती हरियाणा में निकालने के लिए आपको संघर्ष भी करना पड़ सकता है, अनशन भी करना पड़ सकता है, वह अन्य प्रकार से सरकार के प्रति गतिरोध भी उत्पन्न आपको करवाना पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कराना चाहते हैं राजेश पाल कि सरकार अपने आप JVT की भर्ती निकाल दे। अगर आप इच्छुक हैं जाने को तो ज़रूर जाइएगा। अगर कोई आपका मित्र साथी JVT की हुई है तो उनके पास इस वीडियो का लिंक जरूर भेजिएगा। जैसे कोई भर्ती और उससे संबंधित कोई भी नोटिस आता है तो सबसे पहले आपको इस YouTube चैनल पर हम अवगत कराते हैं। अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।